एक्सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का लास्ट वन मंथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा। हमारे एक क्लाइंट ने बोला था कि अगर सीट नंबर जो हमारा कंफर्म सिग्नल आए ही नहीं, अगर रिक्स वाला हो तब क्या करना चाहिए। जब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर कंफर्म सिग्नल ना दे, तो उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाल कर रखा है। तो आज देखते हैं वो कैसे कर दे। पहली बात तो ये 26/4/2018 को से बाई सिग्नल आया था, कंफर्म था, क्योंकि बाई के पहले देख लीजिए ऊपर की तरफ ब्लू का एरो है। स्पेशली ये सॉफ्टवेयर आपको साइडवे प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अब बाई सिग्नल के पहले ऊपर की तरफ ब्लू का ट्रायंगल है तो ही आप बाई में काम कर सकते हैं। अब इतना मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मतलब कि सेल आया, अब आपको इस सेल में कोई मतलब कि कंफर्मेशन एरो नहीं है, तो अब क्या करें। अगर इसमें कंफर्मेशन एरो नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ से तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, पर दूसरी सीट नंबर 2 के अंदर, यहाँ सीट नंबर 2 हमने बनाई गई है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ये येल्लो लाइन को क्रॉस कर कर अगर सेल जब बनता है तब आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ से उसने सेल को येल्लो लाइन को यहाँ से क्रॉस किया, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी मार्केट नीचे आया, यहाँ से आपको फिर से मतलब कि निकल जा सकते हैं, यहाँ से निकल जाना है। देखिए अब यहाँ भी बाय आ गया है, तो यह इस बाई में ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ भी आप सीट नंबर 2 को वॉच करिए, येल्लो लाइन को क्रॉस कर चुका है, ये येल्लो लाइन को मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुका है, मतलब कि यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ से तो वैसे भी हमारा सिग्नल कंफर्म बन गया, तो ये सेल तो गलत है क्योंकि सेल के पहले नीचे की तरफ एरो नहीं बना है। और देख लीजिए यहाँ भी कोई सेल नहीं बना है, तो आप इसमें सेल में काम नहीं करिए, मत करिए। कंटिन्यू बाय आया, कंफर्म आया, तो आप कंटिन्यू पोजीशन रखिए। यहाँ भी आप मतलब कि सेल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसने कोई सेल का ट्रेड ही नहीं बनाया। कंटिन्यू रखिए पोजीशन, ये भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बाय के पहले ऊपर की तरफ ब्लू का ट्रायंगल है, ये भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि देख लीजिए यहाँ भी कोई सेल नहीं बना है, कंटिन्यू सेल रखिए। अब यहाँ से उसने एग्जिट करवा दिया तो आपको निकलना ही पड़ेगा। अब देखिए सेल के आगे नीचे की तरफ ब्लू का ट्रायंगल बन गया, मतलब कि आपको एग्जिट कर देना है, यहाँ से आपको सेल कर देना है। दूसरी तरफ आपको कंफर्मेशन लेना है तो सीट नंबर 2 में देख लीजिए, यहाँ भी येल्लो लाइन को क्रॉस कर चुका है सेल देने के बाद, मतलब कि फुल स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यहाँ से आप कंटिन्यू, अब ये भी फैसिलिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कौन सी फैसिलिटी, क्योंकि बाय सेल देने के बाद आपको कितना होल्ड करना चाहिए वो कोई सॉफ्टवेयर आपको दिखाता नहीं है। यहाँ आपको बार बार सपोर्ट देता रहा है कि होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। देखिए जब तक मार्केट नीचे रहेगा तब तक आपको होल्ड करने को बोलता रहेगा, मैक्सिमम आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ ब्लू का ट्रायंगल आ गया तो आपको पोजीशन क्या कर देनी है, एग्जिट कर देनी है, अब निकल जाइए। बाय आ गया, कंफर्म आ गया, मार्केट काफ़ी ऊपर गया। अभी 25 मई को ये मार्केट बंद हुई, ये सैटरडे को वीडियो बना रहे हैं, तो आगे का परफॉर्मेंस आप देख लीजिएगा। हम करेंगे एक महीने का, जब हो जाएगा तब एक महीने का एक साथ कर लेंगे। अगर कोई वीडियो का, कोई भी स्क्रिप्ट का आपको डेमो देखना है तो आप हमें कॉल कर कर डेमो देख लीजिए। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए, या फिर कॉल कर कर लाइव ही पूछ लीजिए कि यहाँ ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो हम आपको समझा देंगे कि क्या है इसके अंदर, कि इसका सॉल्यूशन क्या है, अच्छी तरह आपको समझा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।